भारत की K4 मिसाइल से डरा चीन। भारत की परमाणु पनडुब्बी पर चीन की नजर। चीन एक बार फिर चालाकी करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत एक और मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है जो चीन की आधी आबादी को तबाह कर सकती है। इसलिए चीन दहशत में है और बंगाल की खाड़ी में भारत की जासूसी कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं शेष भारत। हाल ही में भारत ने चाइना किलर कही जाने वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कर दुनिया को बड़ा संदेश दिया और खास तौर पर चीन को कि अगर चीन ने भारत की तरफ बुरी नजर डाली तो उसका क्या हश्र होगा, ये चीन अच्छे से समझ ले। और एक बार फिर भारत एक और मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है जिसका नाम है K4 मिसाइल, जिससे चीन इतना घबराया हुआ है कि चीन का एक जासूसी जहाज श्यांग यांग होंग 01 बंगाल की खाड़ी में डेरा डाले हुए है। ये जहाज विशाखापट्टनम से कुछ समुद्री मील की दूरी पर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में मौजूद है। बताया जा रहा है कि भारत 16 मार्च तक एक और मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है जो भारत की K4 मिसाइल होगी, जिसका परीक्षण भारत करेगा। और इसी वजह से विमानों को इस इलाके से दूर रहने के लिए भी कहा गया है। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल को पनडुब्बी से दागे जाने की योजना है। भारत परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत की मदद से K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। ये मिसाइल करीब 3500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम बताई जा रही है। साथ ही अपने साथ परमाणु बम भी ये ले जा सकती है। इसी वजह से चीन सहमा हुआ है, क्योंकि ऐसी पनडुब्बी से दागे जाने वाली मिसाइलों को मार गिराना बहुत कठिन होता है। K4 मिसाइल की मारक क्षमता अग्नि 3 मिसाइल के बराबर है। K4 मिसाइल 2 चरणों में बनी है और ये कई टन वजन तक हथियार ले जा सकती है। इसे शक्ति देने के लिए ठोस रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल भारत का परीक्षण अगर सफल होता है तो इससे भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता काफी बढ़ने वाली है। भारत जमीन, हवा और समुद्र के नीचे से परमाणु हमला करने में सक्षम होगा और इसलिए चीन की कोशिश है कि किसी तरह से भारत की परमाणु पनडुब्बी के बारे में चीन जानकारी हासिल कर सके। इसी वजह से ही विशाखापट्टनम के तट से कुछ मील की दूरी पर चीन का शक्तिशाली जासूसी जहाज लगातार खड़ा है। माना जाता है कि इस जासूसी जहाज में कई ऐसे इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो पनडुब्बियों के संकेत को पकड़ने में माहिर हैं। ये भी कहा जा रहा है कि चीन का जहाज पिछले 23 जनवरी को चीन के क्यांगडाओ पोर्ट से रवाना हुआ था। ये जहाज इसी रविवार को बंगाल की खाड़ी में घुसा था। चीन का ये जहाज कहां तक जाएगा इसकी जानकारी चीन ने नहीं दी है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत की जासूसी करना है। क्योंकि जब जब भारत मिसाइल टेस्ट करने वाला होता है तो चीन के जासूसी जहाज निगरानी करने के लिए पहुंच जाते हैं। चीन के इस जासूसी जहाजों को चीन की सेना संचालित करती है। K4 मिसाइल का सबसे पहली बार साल 2020 में परीक्षण किया गया था, तब भी चीन ने भारत की जासूसी करने की पूरी कोशिश की थी। दरअसल मालदीव में मुइजुस सरकार आने के बाद से ही हिंद महासागर में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। मालदीव ने चीन के साथ सीक्रेट मिलिट्री डील की है, इसलिए भारतीय नौसेना चीन के दोनों ही जासूसी जहाजों की हिंद महासागर में निगरानी कर रही है ताकि चीन कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर बैठे जिससे भारत को नुकसान हो। खैर, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि भारत ने चाइना किलर कही जाने वाली अपनी अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कर चीन को कड़ा संदेश दिया है, क्योंकि 5000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल भारत की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल में पहली बार MIRV तकनीक का इस्तेमाल किया गया जो सफल रहा। और एक बार फिर भारत K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। भारत के इस मिसाइल टेस्ट की भनक चीन को काफी पहले ही लग गई थी और माना जा रहा है कि इसी वजह से उसने अपने 2 जासूसी जहाजों को हिंद महासागर में भेज दिया था जो अभी बंगाल की खाड़ी में डेरा डाले हुए हैं। लेकिन भारत भी उसकी निगरानी कर रहा है और अगर चीन ने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो भारत चीन को मुंह तोड़ जवाब देगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।